जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से झारखंड में धर्म परिवर्तन कराने को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। जनजाति सुरक्षा मंच के सदस्यों ने हेमंत सरकार के दौर में सरना धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर विवश करने का आरोप लगाया है। मनाई जाती है बाबा साहब ने थोड़ा सा संदेश किया था, वो अभी भी झारखंड के जो विद्यार्थी रहते हैं या फिर कॉलेज स्कूल से लेकर वहाँ अभी भी उनका संदेश नहीं पहुँच पाया। और जैसे स्टूडेंट की माने तो अभी जैसे स्वतंत्रता झारखंड का लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अगर देख उसको एक दो आदमी मान चुका है और थोड़ा सा हम लोग पहल करेंगे तो हम लोग सब नहीं मतलब जो है बचने जा रहे हैं। तो इस टाइप से बहुत सिचुएशन जो है गांव का विशा पंचायत को बता रहे हैं, पूरा मीटिंग करके पूरा जनता के सामने ये हम भी प्रयास किए समझाने का और सरदेव मुंडा जी भी किए। और जो अभी बहुत सारा विषय है हम लोग उतर तो जाएंगे तो कैसे जो है खास करके देखिए हर पंचायत में हर रीजनल सीट से जो जीते हुए लोग हैं तो इन लोगों को भी हम लोगों को जोड़कर जो है इसमें चलना होगा। और हम लोग छात्र हमारे जो है संगठन से भी नेता लोग हैं तो इन लोग आज मिशनरी संस्थान वहां पहुंचे उसे बदला के धर्म परिवर्तन तेजी से कराया जा रहा। परंपरा मान रहे हैं तो फिर क्यों नहीं मान रहा है? जब नहीं मान रहा है ठीक है आप एक ही माँ का है भाई, लेकिन आप जब रीति रिवाज नहीं मान रहा है तो वहां पे आपका बाल बच्चों का जो पीढ़ी आएगा उनको सुरक्षा उनका कर ले रहे, वो लोग को जमीन हड़पने का कार्य तेजी से चल रहा, फिर वो लोग को चुनाव में खड़ा करके जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसे भी हड़पने का कार्य किया जा रहा। ये चीज हमें समझाना पड़ेगा जनजातीय बहुल क्षेत्र में जाके। आज जो हमारे विद्यार्थी है प्राइवेट रीजनल लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो जनजातीय से आते हैं वो पढ़ने वाले की संख्या कम है पर ईसाई मिशनरियों को पढ़ने वाले की संख्या ज्यादा है। और जो भी नेट जीआरएफ निकाले थे जीआरएफ निकालने के बाद ये सभी को पता है कि फेलोशिप दिया जाता है तो वो हम लोगों को कम मिल रहा है वो लोगों को ज्यादा मिला जा रहा है। इस पे भी ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे बाबा कार्तिक उराव ने बताया था कि आज जो जनजातियों को जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण मिशनरियों को ज्यादा दिया जा रहा है, हमारे समाज दूर होते जा रहे हैं, मतलब एक लावारिस की जिंदगी जी रहे जनजातीय समाज, ऐसा बाबा कार्तिक उराव ने कहा था। तो बाबा कार्तिक उराव का जो संदेश था उसे हमें जैसे गांव-गांव में यूनिट बना के एक इकाई बना के जाके समझाना पड़ेगा कि बाबा कार्तिक उराव ने क्या कहा था। इसलिए बाबा उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद